शिवा गुहो विष्णुर ब्रह्मेन्द्रयमकालकः चित्र गुप्तोथ भानवादेर दक्षिणे चाधिदेवतः। कहा गया है कि सूर्यादि ग्रहों के दक्षिण पार्श्व में क्रमशः शिव, पार्वती, स्कंद, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, यम, काल और चित्रगुप्त ये अधिदेवता हैं जिन्हें अधिष्ठित किया जाता है। यानी हमने नवग्रह पूजा की पूरी विधि देखी, अब नवग्रह पूजा के पश्चात अपना जो ये वीडियो है ये अधिदेवताओं की स्थापना के ऊपर है। तो अधिदेवता ग्रहों के दाएं भाग में विराजित होते हैं और प्रत्यधिदेवता ग्रहों के बाएं भाग में विराजित होते हैं। तो चलिए अधिदेवताओं की पूजन विधि पूरी सांगोपांग विधि से हम देखेंगे और समझेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस वीडियो से और अपने इस कक्षाओं से जुड़ सके। निरंतर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक धर्म की संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो निरंतर प्रसारित होती रहेगी। तो इसे शेयर करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, आपका प्रेम और प्यार इसी तरह बनाए रखिए। तो चलिए अधिदेवता के इस वीडियो में प्रारंभ करते हैं, अधिदेवता की पूजा विधि है उसे प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ईश्वर की पूजा की जाती है। नवग्रहों की पूजा हो गई, नवग्रहों की स्थापना के पश्चात उन्हीं नवग्रहों में जो है बाएं भाग में प्रत्यधिदेवता, दाएं भाग में अधिदेवता, तो अधिदेवताओं की स्थापना हम दाएं भाग में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भगवान ईश्वर की, तो हाथ में अक्षत पुष्प लेते हुए हम भगवान का ध्यान करेंगे और उसके पश्चात उनकी स्थापना करेंगे। तो ईश्वर की स्थापना करने का मंत्र यह है, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मृत्युंजय जो मंत्र है इसके द्वारा हम भगवान ईश्वर की स्थापना सूर्य के दाएं भाग में करेंगे। तो यह मंत्र बोलते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। यह बोलते हुए हमें अक्षत पुष्प सूर्य के दाएं भाग में छोड़ते हुए हम ये बोलेंगे कि ओम भूर्भुवस्वः ईश्वराय नमः ईश्वरम आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात ईश्वर के पश्चात हम माँ उमा का जो चंद्रमा के दाएं भाग में उनकी स्थापना करेंगे। तो उमा का मंत्र यह है, ओमा श्रीश्चाते लक्ष्मीश्चा पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षतरा नीरूपमशुवीनौ व्यात्तम विष्णन्निखाणा मुम्म ईखाण सर्वलोकम म ईखाण। तो यह श्रीश्चते मंत्र बोलते हुए हमें यह बोलना है कि ओम भूर्भुवस्वः उमायै नमः उमं आवाहयामि स्थापयामि। उमा की स्थापना के पश्चात भगवान स्कंद की स्थापना करनी है। तो स्कंद की स्थापना मंगल के दाएं भाग में हम भगवान स्कंद की स्थापना करेंगे। तो जो स्कंद भगवान है उनका मंत्र यह है, जजकरन्द प्रथमञ्जायमान उदयन् समुद्रादूतो वा पुरी खात शेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुतियं महि जातन्ते अर्वन्न। ओम भूर्भुवस्वः स्कंदाय नमः स्कंदम आवाहयामि स्थापयामि। भगवान स्कंद की स्थापना के पश्चात हमें भगवान विष्णु की स्थापना करनी है और भगवान विष्णु के बुध के भगवान बुध की जो अपने अपन ने स्थापना की उस उनके दाएं भाग में भगवान विष्णु की स्थापना होगी। ओम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ओम विष्णो रराट मासि विष्णो स्नप्त्रेस्थो विष्णो स्यूरासि विष्णो ध्रुवोसि वैष्णवामासि विष्णवेत्वा। अक्षत पुष्प छोड़ते हुए बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामि स्थापयामि।
फिर भगवान ब्रह्मा की स्थापना करेंगे बृहस्पति के दाएं भाग में और यह मंत्र बोलेंगे, ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इखवियो दिव्या धीमः रथो जायतां दोघ्रि धेनुर्वोढा नडवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्जोघा जिष्णु रथिष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमा नस्य वीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्यो वारेखतु फलवतियो न ओखधयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पताम्। ॐ भूर्भुवस्वः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणम् आवाहयामि स्थापयामि। भगवान ब्रह्मा के पश्चात हम भगवान इंद्र की शुक्र के दाएं भाग में स्थापना करेंगे। ओम यह मंत्र बोलते हुए हाथ में अक्षत पुष्प छोड़ते हुए, ओम सजोखा इंद्र सगणो मारुद्भिः सोमं पिबव्रत रहा शूर विद्वान् जहि शतरून् रापमृधो नूदस्वाथा भयं क्रेणु हि विश्वतो नः। ओम भूर्भुवस्वः इंद्राय नमः। इंद्रम आवाहयामि स्थापयामि। भगवान इंद्र की स्थापना के पश्चात हम भगवान यम की स्थापना शनि के दाएं भाग में करेंगे। ओम जमायतवांगी रसवते पितृवते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्महा पितरे। ओम जमायतवांगी रसवते पितरे मते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मः पितरे। यह बोलते हुए ओम भूर्भुवस्वः यमाय नमः। यमम् आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात भगवान काल की स्थापना राहु के दाएं भाग में करेंगे। ओमा कारे खीरासी सामुद्रस्य यतवा क्षितिया उन्नयामि सामापो अद्भिरगमाता सामोखाधि भीरोखाधीः। ओम भूर्भुवस्वः कालाय नमः। कालम आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात भगवान चित्रगुप्त की स्थापना केतु के दाएं भाग में करेंगे। ओमा चित्रावासो स्वस्तिते पारमाशीय। ओम भूर्भुवस्वः चित्रगुप्ताय नमः। चित्रगुप्तम आवाहयामि स्थापयामि। ऐसे अधिदेवता हैं, उनकी स्थापना हमने विधिवत इन मंत्रों के द्वारा उनकी वहां पर स्थापना की। उसके पश्चात वही षोडशोपचार विधि के द्वारा इनका पूजन यजन होगा। तो अधिदेवता की स्थापना का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। और कर्मकांड के संबंधित जानकारियां एवं धर्म के संबंधित जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जानकीनाथ।